मेरा नाम राशिद मकबूल है और मैं इंचार्ज डिपार्टमेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यूनिवर्सिटी होगाड़ा पे फ्राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैंने एमफिल किया हुआ है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज में और पीएचडी कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में और नियरली कंप्लीशन है, थीसिस सबमिट करवाने वाला हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के हवाले से मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 2019 में हम लोगों ने फर्स्ट बैच जो था उसका एनरोल किया था और इस वक्त तक दो बैचेस इस टाइम कंटिन्यू हैं और स्टूडेंट्स इसमें एनरोल्ड हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एक बहुत वसी फील्ड है और अगर मैं इसके स्कोप की बात करूँ या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ पंजाब पब्लिक सर्विस मिशन के थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस में हैं, इवन के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इनकी बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी रिसेंटली 440 सीट्स अनाउंस की थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पंजाब के डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर और उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो चुके हैं। और इस डिपार्टमेंट के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ पे भी लाइब्रेरी साइंसेज में बीएससी या मास्टर्स हो रहा है तो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी और हार्डली 440 सीट्स पे राउंड अबाउट 1000 to 1200 लोगों ने अप्लाई किया और उनके डायरेक्ट इंटरव्यूज़ हुए। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी कॉलेजेस लेवल पे। अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करूँ तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेंट्रल लाइब्रेरी देन डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज़ वहाँ पे भी लाइब्रेरियंस की, सीनियर लाइब्रेरियंस की जॉब्स अवेलेबल हैं। पब्लिक सेक्टर के हवाले से मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूँ इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी जॉब मार्केट स्टिल अवेलेबल है। जितनी भी पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी ऐसे ही जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में लाइब्रेरियन या सीनियर लाइब्रेरियन या डिप्टी चीफ या चीफ लाइब्रेरियन की सीट्स अवेलेबल होती हैं तो वहाँ पे भी इनकी सीट्स अवेलेबल होती हैं। किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी की, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो, लाइब्रेरियन, प्रोफेशनल लाइब्रेरियन के बगैर वहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। मेन लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ से मैं आपको बताता चलूँ जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जो मेन लाइब्रेरी है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का सेंट्रल हब होती है। अब हमारे पास इस मेन लाइब्रेरी के अंदर 20,000 से ज़ायद बुक्स अवेलेबल हैं और इसके अलावा बहुत सारे एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स जो अपने रिसर्च वर्क कंप्लीट कर चुके हैं उनके थीसिस भी अवेलेबल हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट कर चुके हैं उनके भी थीसिस अवेलेबल हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी में जैसे कि आपको पता है कि बहुत स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 17,000 से अबव स्टूडेंट्स हैं और मोर देन 100 फैकल्टी मेम्बर्स हैं और विजिटिंग में भी बहुत सारे फैकल्टी मेम्बर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल है। तो हर फैकल्टी मेम्बर की, हर स्टूडेंट की नीड है और उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास HEC डिजिटल लाइब्रेरी के एक्सेस अवेलेबल है। मैं नए स्टूडेंट्स जो हम लोग अभी एडमिशन्स ऑफ़र करने जा रहे हैं उनको एक मैसेज कन्वे करूँगा। इस फील्ड के अंदर बहुत स्कोप अवेलेबल है और मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप आएँ यहाँ पे एडमिशन लें और इंशाल्लाह आपका फ्यूचर ब्राइट है और मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छी प्लेसेस पे एडजस्ट हो जाएंगे।